गाइज वेलकम टू मोटर टूरिंग। और आज CD70 की टूरिंग हो रही है और हम इस साइड कवर इसका खोल रहे हैं। और मेरे साथ है उस्ताद जी। उस्ताद जी अपना नाम बताएं। वसीम अब्बास भाई है जो इसका काम कर रहे हैं ट्यूनिंग का। कंप्लीट ट्यूनिंग आपको दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में और पार्ट के हिसाब से बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं ये पार्ट्स में आपको दिखाऊँगा। इसका ये अब ये कार्बोरेटर खोलने के लिए उतार रहे हैं उस्ताद वसीम। इसमें मैं आपको कार्बोरेटर की जो सेटिंग, सफाई और फ्यूल एवरेज वो भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन वो अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आपको वीडियो जल्द मिल जाएगा। आपने सबसे पहले साइड कवर खोलना है, उसके बाद जो है कार्बोरेटर की आपने ऊपर से जो एक्सीलेटर वो वायर निकाल देनी है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपने जो है कार्बोरेटर को खोलना है एक्सीलेटर वायर निकालने के बाद। अब जो है ये एयर फिल्टर निकालना है और एयर फिल्टर निकालना सर, ये रबड़ को क्या बोलते हैं जो एयर फिल्टर आप निकाल रहे हैं? इसको फिल्टर वाली बोतल है जिसके अंदर एयर फिल्टर होता है CD70 का। तो गर्मियां हैं तो इसलिए आसान है निकालना, सर्दियों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको निकालना, क्योंकि सख्त हो जाता है रबड़ सर्दियों में जो बोतल होती है। गर्मियाँ हैं तो अभी भी थोड़ा मुश्किल से निकल रहा है, लेकिन आपने इसको बहुत प्यार मोहब्बत से निकाला है। पूरा जी एयर फिल्टर आ गए हैं, आप ये एयर फिल्टर निकालेंगे अंदर से, आपको एयर फिल्टर कंडीशन। इसका जो एयर फिल्टर है कितना चल जाता है, कितने किलोमीटर चल जाता है 70 का अगर ओरिजिनली आप लगाएं होंडा का? मैक्सिमम यानी कि 2000। और ये तकरीबन कितना चला हुआ है? 2000 चला हुआ है। और आप इसको झाड़ के भी आपको दिखाएंगे उस्ताद जी, आप देख सकते हैं मट्टी कितनी निकल रही है 2000 के बाद। लाजमी है कि आप 2000 के बाद चेंज करा लें, इससे ये है कि आपका इंजन ठीक रहेगा, 2000 के ज़्यादा ना चलेगी। तो आप ये जो है कार्बोरेटर खोल रहे हैं, कार्बोरेटर की सफाई करनी है। कार्बोरेटर की सफाई के लिए जो है ना, आपने ये जो है साफ बाउल लेना है, उसमें फ्यूल होना चाहिए, तो पेट्रोल से कार्बोरेटर साफ हो रहा है। कार्बोरेटर की सेटिंग भी जो है ये करेंगे भाई, तो आप उसको उस्ताद जी बताएंगे, मलिक साहब। पहले फिल्टर करना है, फिर उसके बाद तीन चूड़ियाँ। ये जो नेट है रेस के नीचे वाला, इसको पहले आपने 3 दफ़ा फुल टाइट करना है। दिखाएं इनको नेट, कौन सा नेट है? ये वाला नेट है सर। और ये इसको आपने पहले 3 बार टाइट, पहले फुल टाइट करना है, फिर आपने इसको 3 चूड़ियाँ खोल देना है, उसके बाद फिर ठीक हो जाए। ये फ्यूल की सेटिंग है कार्बोरेटर की। तरीके से ना ब्रश से आपने कार्बोरेटर को साफ करना है, इनके अंदर जो है इसके वॉल को भी आपने अच्छी तरीके से साफ करना है। और जो इसकी कार्बोरेटर की सील है वहाँ पे ज़्यादा ब्रश ना इस्तेमाल कीजिएगा, इससे जो होता है इसकी सील ख़राब हो जाती है, फिर आपको सील चेंज करनी पड़ सकती है। और सील इस
इसी सील के साथ अगर लगाएंगे सील ख़राब हो जाएगी तो लीक होने का भी खर्चा होता है। साथ ही को सील बता दीजिए कौन सी सील है अच्छी, ये वाली सील है, इस पर ज़्यादा आपने फ्यूल से साफ नहीं करना। अब ये हो चुका है कार्बोरेटर साफ। अब ये आप क्या कर रहे हैं बता दें इनको, ये इसके जेट खोल रहे हैं, इसको साफ लाजमी करेंगे क्योंकि इसमें कचरा होता है और ये बंद नहीं कर रहा है। ये अब बंद हुआ पूरा सारा, ये जेट खोल के साफ करना होता है क्योंकि इसमें कचरा होता है, कचरा आया हुआ है आप देख सकते हैं। ये क्या है उस्ताद जी, पहला वाला जेट था और ये भी जेट ही है? ये भी जेट है, ये स्लो के लिए होता है वो रेस के लिए होता है। अच्छा, एक रेस के लिए और एक लो के लिए। इसके अंदर ये एक सुराख होता है ब्रेक सा, वो लाजमी साफ होना चाहिए इन दोनों में, इसके अंदर एक सुराख होता है। साजी बोल रहे हैं कि इसको जो जेट को है ज़्यादा टाइट आपने नहीं करना, जितनी फोर्स लग सके, जितना बस आपको लगे कि ज़्यादा टाइट हो गया उतना ही आपने टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। इसकी चूड़ी भी ख़राब हो सकती है और टूट भी जा सकती है। साजी ये क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्लूट और ये होता है इसका न्यूट्रल वाल्व। ये वाल्व आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि ये अगर छेड़ेंगे तो आप ओवर करना चाहिए, चल होना शुरू हो जाएगी। इसकी सेटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि बाइक जो है ओवर हो जाएगा। और ओवर करता हो तो फिर इसको छेड़ना चाहिए, अगर ओवर नहीं करता तो फिर नहीं छेड़ना चाहिए। इसकी ये पिन होती है जो यहाँ लगी है, ये पिन है। तो ये कंप्लीट हो गया और आपने आप ऊपर से ये डब्बी लगा रहा है, ये आप केस लगा के बंद कर रहे हैं कार्बेट की जो डब्बी है नीचे वाला हिस्सा, और आपने इसको सीधा ही लगाना है। अक्सर जो लोग होते हैं इसको ऊपर उल्टा लगा देते हैं लेकिन आपने सीधा लगाना है। हम आपको बता देते हैं उल्टे के मुराद होता है कि ये जगह और ये जगह, इसमें फ़र्क होता है। आपने ये जगह और ये इधर लगानी है इस तरह, अगर इस तरह लगाएंगे तो उल्टी लगेगी, ये उल्टी हो जाएगी इस तरह, और ज़ाहिर बात है आपने लगानी है इस तरह तो ये सीधी है, सीधी होगी। आपके जो नीचे वाले वाल हैं वो आपके दूसरे सिलेंडर के साथ मैच करने चाहिए। अभी कार्बोरेटर टाइट हो गया वापस, इसको भी आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, जितना चूड़ी को जोर मांगे उतना ही करना है आपने। चलो अब ये हम जो है भाई लगाने जा रहे हैं एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर का बैग। आपने जो है ना बाइक को अच्छे से क्लीन कर लेना है अंदर से भी बाहर से भी, ये देख सकते हैं आप। अभी फिल्टर भाई दिखा रहे हैं, होंडा का फिल्टर है और
ये एयर बैग में आपने इस तरीके से डालना है, आप पोजीशन चेक कर सकते हैं। एयर फिल्टर का पोजीशन इस तरह होनी चाहिए, ये चीज जो इस बात है, जो एयर का सुराख है वो इस पाइप के साथ इसकी सीध में होना चाहिए। ये आपको भी लगा के दिखाएंगे कि सुराख किस तरह। मैं जा रहा हूँ तो फिर इसको थोड़ा लूज कर देना चाहिए लाजमी। अगर ये एयर फिल्टर पे पूरा नहीं आ, ये सुराख इसकी सीध में होना चाहिए, ये इधर लाइन के साथ। अब इसको टाइट करें, डालने लगे हैं और इसको पीछे जाना है। इस पोजीशन से आपने डालना है एयर फिल्टर को। एक्सीलेटर की वायर है, स्प्रिंग इसका ये भी गाइस पेट्रोल के लिए होती है। दोनों इसको बराबर होने चाहिए, नीचे दो पे और ऊपर भी दो पे और सेंटर पे होने चाहिए। ये पांच पॉइंट्स होते हैं, ये तीसरे नंबर पे पॉइंट में होनी चाहिए, दो से ऊपर से खाली पॉइंट होने चाहिए और दो नीचे से। और ये नए मॉडल में अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नए मॉडल में मेरे ख्याल है अब एक ही दे रहे हैं ना, तो यही है। ये लॉक होता है सर, इसको नीचे ये लॉक लगाना है आपने। लॉक किस पोजीशन में डालना है बता दें। इस तरह मर्जी डाल दें, उसका कोई नहीं है, लेकिन सुराख के बराबर नहीं होना चाहिए। लॉक जो है सही से आपने बिठाना है सुराख के बराबर। ये जगह खाली होनी चाहिए, अभी लॉक बैठ गया है। और स्प्रिंग किस तरीके से डालना चाहिए, जिस तरह मर्जी आप डालें। स्प्रिंग की कोई जगह नहीं है, बस आपने स्प्रिंग ऊपर रख लेना है। और ये एक्सीलेटर साइड की जो केबल खाली होती है आपने वहाँ से उसको डाल लेना है। इस साइड को इस साइड पे करना है, उसका जो कट वाला साइड है वो पीछे होना चाहिए। उस साइड कट वाला साइड जो है अपोजिट साइड पे होना चाहिए। न्यू मॉडल को उस साइड पे होना चाहिए और ओल्ड मॉडल के साइड पे। इसके टाइपर ठीक हैं, बाकी जो है अगर प्ले ऑफ में हो तो उसको थोड़ी सेटिंग करनी चाहिए लाजमी। होते हैं ये
एक छोटा होता है, इधर बड़ा होता है, इधर फिर थोड़ा छोटा होता है और ये छोटा सब। ये आवाज़ आ गई और ये आवाज़ आ गई टाइट हो गई।